सुरेश को मछलियाँ पालने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें कुछ मछलियों को पालता है। सुरेश ना उन मछलियों को खाता है ना ही उनसे व्यापार करता है। सुरेश एक साधारण सा लखादारा है, दिन भर जंगल में काम करता है और शाम को घर लौटने के बाद मछलियों के साथ वक्त बिताता है। कीर्ति, मैं जा रहा हूँ काम पर, तालाब की तरफ देखते रहना, कहीं कोई शरारती लड़का या चोर ना आ जाए मछलियों के पास। पता नहीं आप उन मछलियों को क्यों पाल रहे हो, क्यों मुझे उनकी देखभाल करने को कह रहे हो। अगर हम उन मछलियों का व्यापार करेंगे तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। बंद करो ये बातें, जा रहा हूँ मैं काम पर। उसी गांव में श्रीकांत और श्रीनाथ नाम के दो धनवान रहते हैं, जो हर वक्त सुरेश का मजाक उड़ाने के मौके ढूंढते रहते हैं। लो, ये मछुआरा फिर से चल पड़ा, जो लकड़ियाँ काटता है, गरीब नमूना। उसकी बातें छोड़ो, मुझे वो ताला बेच दो, बदले में मैं तुम्हें एक झोपड़ी खरीद कर दूंगा, क्या कहते हो? आप दोनों धनवानों से बातें करके खुशी हुई है इस गरीब को, मैं चलता हूँ, काली नहीं रह सकता हूँ मैं, मुझे बहुत काम है। ऐसे कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन श्रीकांत और श्रीनाथ उसकी बातों से गुस्सा हो जाते हैं और सुरेश के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचकर श्रीकांत उसके तालाब में जहर मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इस कोशिश में श्रीकांत पानी में गिर जाता है और जब वो बाहर लौट कर आता है तब उसके गले का सोना पानी में ही गिर गया था। पानी काफी ठंडा है, जो काम करने के लिए आया था वो मैं बाद में कर लूंगा, फिलहाल घर जाकर कपड़े बदलना जरूरी है। ऐसे कहते हुए श्रीकांत वहाँ से चला जाता है, लेकिन तालाब के अंदर एक मछली उस सोने को खा लेती है और खुद भी सोने के रंग की बन जाती है। शाम को जब सुरेश काम से लौट कर आता है और तालाब के पास जाता है तब एक सुनहरी मछली पानी के बाहर निकलकर सुरेश से बात करती है। सुरेश, घबराओ मत, मैं एक जादुई मछली हूँ, तुमने मुझे कुछ दिनों पहले एक मछुआरा से बचाकर इस तालाब में छोड़ा था, तब से मैं तुम्हारे तालाब की मछलियों की रक्षा कर रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिला कभी। तुम इस तालाब के मछलियों को रक्षा कर रही हो, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए सुनहरी मछली? फिर भी मुझे आज मौका मिला है आपकी मदद करने का, मैंने अपने शरीर को सोने के शरीर में बदल लिया है, अब से मैं हर रोज एक सोने का मोती तालाब के ठीक इसी जगह पर रखूंगी, उससे तुम अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हो। ऐसे कहते हुए वो सोने की मछली एक सोने का मोती रखकर पानी में चली जाती है। सुरेश के तालाब को खराब करने के लिए आए हुए श्रीकांत की वजह से सुरेश को बहुत बड़ा फायदा होता है और वो हर रोज एक मोती बेचकर कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा धनवान बन जाता है, लेकिन किसी को भी उस सोने की मछली या उसके मोती के बारे में नहीं बताता है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को ही नहीं बताता है। आप कैसे कमा रहे हो इतने सारे पैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी। जंगल में मुझे एक गुफा मिली है, उसमें ढेर सारा सोना है, लेकिन हर रोज सिर्फ थोड़ा सा ही लेकर आ सकते हैं। लेकिन तुम वहाँ पर जाने की कोशिश मत करना, वो गुफा शेरों की है।
ऐसे हर किसी को अलग अलग जवाब देता ही सुरेश। सब उसके जवाब सुनकर हंसकर चुप हो जाते हैं, लेकिन श्रीकांत और श्रीनाथ को ये बात हजम नहीं होती है कि गांव में उनसे भी बड़ा कोई धनवान है, इसलिए वो किसी तरह उसे परेशान करके उसकी कामयाबी का राज जानने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब सुरेश इस तरह से जवाब देते हैं, तब वो दोनों वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। सुना है कि आप दोनों किसी के तालाब में जहर मिलाने के लिए आते हैं। उस तालाब वाले को वहाँ पर एक सोने का चेन और जहर की बोतल मिली है। उन्हें कम से कम 10 साल की तो सजा होगी। गंगा एक शांत और अच्छा इंसान है, हर काम सोच समझकर करता है। कुछ दिनों पहले उसी गांव के बाहर पुल के पास एक हाथी का छोटा सा बच्चा मिला था। गंगा उस छोटे से हाथी के बच्चे को अपने साथ घर लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में उसे देखकर ये हाथी का बच्चा हमें क्यों नहीं मिला सोचकर जलने वाले लोग गंगा से ऐसी बातें करते हैं। इस हाथी के बच्चे को मैंने सुबह ही देख लिया था, ये वक्त के साथ सर दर्द बनेगा कहकर वहीं पर छोड़ दिया था इसे। गंगा बाई को रास्ते चलती हर मुसीबत को गले लगाने का शौक है। जब वो हाथी बड़ा होकर सिर्फ तोड़फोड़ करेगा, तब समझ में आएगा उन्हें हमारी बात। ऐसे कहते हुए विजय और अजय वहाँ से चले जाते हैं। गंगा उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना उस हाथी के बच्चे को घर लेकर जाता है और उसका एक नाम रखता है। आज से तुम्हारा नाम भीम है। जब भी मैं भीम कहकर पुकारूंगा, मेरे पास आ जाना या फिर मुझे आवाज लगा देना। ऐसे गंगा उस हाथी को एक नाम देता है और उसे हर रोज खाने के लिए अपने खेत में से कुछ केले लेकर आकर रखता है और उसे नहलाने के लिए पुल के नदी में लेकर जाता है। गंगा हर रोज भीम को उस पुल के पास लेकर आता है और उस पुल पर से ढेर सारे गाड़ियां भी घूमते हैं, लेकिन सब अपने अपने काम पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन भीम वो नदी के पानी में से उस पुल में पड़ती दारों को देखता है और गंगा को बताने की कोशिश करता है। क्या हो गया है भीम तुझे? जैसे जैसे बड़े हो रहे हो वैसे ही तेरा शोर भी बढ़ता जा रहा है। अब चुप हो जा वरना तुम्हें यहीं पर छोड़कर जाऊंगा। ऐसे कहते ही भीम चुप हो जाता है और उसके बाद फिर कभी नहीं पुकारता है। ऐसे दिन गुजारते जाते हैं और भीम बड़ा हो जाता है। अजय, तू अपने ट्रैक्टर में इतना लोड क्यों भर रहा है? लगता है उस पुल में पहले जितनी पकड़ नहीं है। ये बात तो मुझे भी पता है विजय, लेकिन जब पुराना पुल टूटेगा तभी तो नया पुल बनेगा। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो सही है। पता नहीं हम मूर्ख ना होते तो इस गांव का क्या होता। ऐसे कहते हुए हंसते हुए अजय और विजय अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। और भीम को इस बात का पता चल गया था, इसलिए वो हर रोज पुल के नीचे जाकर उस पुल संभाल रहा था। गंगा इस बात से अनजान था, इसलिए भीम से गुस्सा हो रहा था। अजय और विजय ने मुझे पहले ही कहा था, मैंने ही उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया है। जब से भीम बड़ा हुआ है अपनी मर्जी से कहीं पर भी चला जाता है।
आज उसका हिसाब करना ही होगा। ऐसे कहते हुए गंगा अपने हाथी को ढूंढते हुए जाता है। काफी देर तक गांव में ढूंढ कर पुल के पास जाने पर तब उसे भीम पुल के नीचे खड़ा होकर टूटते हुए पुल को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी सड़क से उस पार से भारी सामान लेकर आता हुआ अजय नजर आता है। गंगा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अजय पुल पर चढ़ जाता है। अरे तूने क्या कर दिया अजय, जल्दी से लेकिन धीरे धीरे अपने ट्रैक्टर को हटा दे पुल पार से। ये सारा पुल भीम के ऊपर टिका हुआ है, वो हट गया तो सब टूट जाएगा। अजय वो देखने के बाद अपनी ट्रैक्टर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद गंगा ही धीरे से ट्रैक्टर को हटाकर सड़क को बंद करके भीम को वहाँ से निकलता है। भीम को वहाँ से निकालते ही सारा पुल नीचे गिर जाता है। तब गंगा को समझ में आता है कि भीम हर रोज सुबह से शाम तक कहाँ पर जा रहा था। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैं सोच रहा था कि उस दिन तुम्हें पुल से उठाकर गलती की थी, लेकिन मैं गलत था। ऐसे कहते हुए गंगा भीम से माफी मांगता है। और जब ये बात गांव वालों को पता चलती है सब भीम की खूब तारीफ करते हैं और सब गंगा की तरह ही उसे प्यार देते हैं।